स्वागत है आपका केबीपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। गांव के विकास के लिए गंभीर है प्रदेश सरकार, मुकुट बिहारी। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने जरवल में परसोहर के बदलूपुरवा में रखी नई प्राथमिक विद्यालय की भवन की नींव। विद्यालय से मंदिर जैसा स्नेह रखें और अभिभावक बच्चों को घर व खेत के काम में लगाने से टूटता है स्कूल में पढ़ाई का क्रम। जरवल रोड बहराइच में शुक्रवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री ने विकास खंड जरवल के परसोहर में बदलूपुरवा में नवीन प्राथमिक विद्यालय के भवन की नींव रखी। भवन की नींव पूजन व शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन खंड शिक्षा अधिकारी जरवल के संयोजन में हुआ। पूर्व मंत्री वर्मा ने विद्यालय के भवन की पहली ईंट रखकर पूजन किया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग और स्थानीय ग्रामीणों की भारी तादाद में मौजूदगी रही। पूर्व मंत्री ने इस अवसर पर ग्रामीणों से कहा कि विद्यालय शिक्षा के मंदिर हैं। शासन द्वारा योजना के अनुरूप गांव के हर एक बच्चे के लिए निशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था के मद्देनजर नए सुदूर क्षेत्र में भी विद्यालय भवन एक स्वीकृत किया गया है। बीईयू संतोष सिंह ने कार्यक्रम के प्रति मुख्य अतिथि का आभार ज्ञापित किया तथा मौजूद अभिभावकों को अपने पालियों को नियमित स्कूल भेजने की अपील की। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष पवन वर्मा, प्राथमिक शिक्षक संघ जरवल के अध्यक्ष आशिफ अली, सीमा अस्थाना, नश ततरन आबदी, पवन वर्मा आदि उपस्थित रहे। होता है कि पहले तो स्कूल में जाने देते हैं और जैसे बैठोनी शुरू हुई वैसे उससे कहते हैं बस्ता धरो, दो दिन बैठाओ, तीन दिन बैठाओ के बाद जाओ। कटनी आई तो उसका जो है सोचने का, चलने का जो क्रम है उसको जब आप ब्रेक करेंगे, उसको जब आप तोड़ेंगे, उसमें जब व्यवधान लाएंगे तो उसके विकास की गति रुकेगी। कोई पेड़ बढ़िया चल रहा हो आप एक बार काट दीजिए, फिर निकलेगा हुआ, फिर चलेगा, लेकिन बाढ़ तो मर जाएगी। तो इसलिए यदि आपको तय करना है अपने बच्चे का भविष्य, तो बच्चे के भविष्य के लिए सरकार ने सारी सुविधाएं दी। अभी बता रहे थे 187 विद्यालय इस ब्लॉक में हो गए, 8000 बच्चे इस समय बढ़ गए। ये सब कैसे हुआ है? सरकार ने प्रयास किया। इस सरकार का तो एक क्रम है, वर्दी नहीं देती, अच्छे कपड़े देती है, भोजन अच्छे देती है, अच्छे टाइल्स लगे स्कूल हैं, जहां नहीं है वहां स्कूल पहुंचाए जा रहे हैं। सोचिए कि हमारा ऐसा भारत बने कि उस भारत के लोग दुनिया में नंबर एक हो जाएं। आज भारत दुनिया में नंबर एक बन रहा है, लेकिन बन नहीं पाया है। नंबर एक बन कब पाएगा? जब गांव कहेगा कि भारत को नंबर एक पर बनना है, तो दुनिया का कोई नहीं रोक पाएगा। जिसे गांव-गांव के लोग कह देंगे भारत नंबर एक बने, और हम उसी प्रयास में इस विद्यालय के लिए आपके बीच में आए हैं। विद्यालय की स्थापना हो रही है, विद्यालय का संचालन प्रशासन करेगा, लेकिन विद्यालय आपका है, बच्चे आपके पढ़ेंगे, इसकी देख रेख सब आपको करना है। और ये आज मन बना लीजिए कि अभी हमको विद्यालय मिल रहा है, लेकिन इसके गार्जियन हम है, इसको बचाना हमको है, इसके दरवाजे की रक्षा हमको करनी है, इसके नल की रक्षा हमको करनी है, इनके नहीं तो भाई लोग कहते हैं ये भी कर लिया जाए, तो इन सब से बचाकर इसको बचाना है। ये आपके लिए एक धरोहर है। जैसे मंदिर गांव में होता है, शंकर जी को जल चढ़ाने बाहर का आदमी नहीं आता, गांव के लोग चढ़ाते हैं, वहां कोई घास जग गई तो गांव के लोग छोड़ते हैं, तो मंदिर बना रहता है। यह भी मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है, विद्या का मंदिर है, माँ सरस्वती का मंदिर है। मंदिर की तरह इसकी पूजा करो तो आप निश्चित रूप से जान लो सब कुछ फल मिलने वाला है, आपके गांव को अच्छा यश मिलने वाला है। मेरा यही आग्रह है, यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।